हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। आज आम पिंकू सर चैनल रे जीके क्लास नहीं के आसीचु। तो आज आमर क्लास टी हूँ ओडिशा जीके स्पेशल क्लास, जो आम ओडिशा रो पुण्य क्षेत्र उपरे क्वेश्चंस कवर करिवो। सो क्लास टी स्टार्ट करिबा अगुरु आपण माने प्रथमे ए लिंक टी को शेयर कर दिंतु, आउ चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु, आउ जदि आपण मानको क्लास टी भल लगे ताहले लाइक करबा को भूलिबेनि। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज ह्विच सिटीज आर कॉल्ड फोर क्षेत्रज ऑफ ओडिशा। ओडिशार कौ सिटी को चारि क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज पुरी, भुवनेश्वर, जाजपुर एंड कोणार्क। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द नेम ऑफ दैट फोर क्षेत्रज, से चारिटि क्षेत्रर नाम कौन, एंड द आंसर इज शंख क्षेत्र, चक्र क्षेत्र, गदा क्षेत्र एंड पद्म क्षेत्र। तार किछि डिटेल भी मुझे एठी नहीं के आसीछि। ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁର କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କ ସେହି ବିଜୟର ମହିମାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖକୁ ପୁରୀରେ, ଚକ୍ରକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଗଦାକୁ ଯାଜପୁରରେ ଆଉ ପଦ୍ମକୁ କୋଣାର୍କରେ ରଖିଥିଲେ। ଏଣ୍ଡ ଦେ ୱେର୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର, ଚକ୍ର କ୍ଷେତ୍ର, ଗଦା କ୍ଷେତ୍ର ଏଣ୍ଡ ପଦ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣମାନେ ପିକ୍ରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ। ଏଣ୍ଡ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ପୁରୀ। क्वेश्चन नंबर फोर, ह्विच सिटी ऑफ ओडिशा इज नोन एज चक्र क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को चक्र क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर फाइव, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नोन एज गदा क्षेत्र। द आंसर इज जाजपुर। आपण मैं गोटे टास्क अच्छे, जाजपुर को आउ कौ क्षेत्र कहा जाए आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे आंसर दिंतु। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज पद्म क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को पद्म क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज कोणार्क। क्वेश्चन नंबर सेवेन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज अर्क क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को अर्क क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज कोणार्क। तार किछि डिटेल भी मुझे एठी नहीं के आसीछि। कोणार्क मंदिर नाम दुईट वर्डर मिक्स अटे। कोणा मीन्स कोण एंड अर्क मीन्स सूर्य। इट मीन्स अर्क क्षेत्र में पूजा पाउथिबा सूर्य देवता को कोणार्क कहा जाए। चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर एट, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नोन एज श्रीक्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को श्रीक्षेत्र कहा जाए, एटा तो आपण मानक समस्त को जणा अछि, एंड द आंसर इज पुरी। क्वेश्चन नंबर नाइन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नोन एज तुलसी क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को तुलसी क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज केन्द्रापड़ा। जार गोटे स्टोरी भी अच्छे, जेतेबेले लॉर्ड बलराम कांद्रासुर को हत्या करते, देन से झील तुलसी को बाहरी सेटी सेटल हो जाते। सिंस देन द प्लेस इज नोन एज केन्द्रापड़ा। क्वेश्चन नंबर टेन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नोन एज व्यास क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को व्यास क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज राउरकेला। क्वेश्चन नंबर इलेवेन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नोन एज साबर श्रीक्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को साबर श्रीक्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज कोरापुट। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज मणिक्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को मणिक्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज भद्रक। आपण माने ए पीक रो ही जानी पारुथबे, ये होची अखंडलमणि मंदिर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज बाणी क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को बाणी क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज जगत सिंहपुर। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज एकाम्र क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को एकाम्र क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज भुवनेश्वर। तार किछि डिटेल भी एठी अछि, देखि नेबे। चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन, ह्विच सिटी ऑफ ओडिशा इज नॉन एज विभूति क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को विभूति क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज बाबा गोरखनाथ, जहाँकि जगत सिंहपुर अवस्थित। चलंतु जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन, ह्विच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज स्वर्ण क्षेत्र। ओडिशार कौ प्लेस को स्वर्ण क्षेत्र कहा जाए, एंड द आंसर इज महंगा, जोटा कि कटक रे अछि। तार किछि डिटेल भी एठी मेंशन अछि। स्वर्ण क्षेत्र इज लोकेटेड इन
चंपतिपुर गोकाना महंगा ओसांगा पदामराई एरिया ऑफ कटक ओडिशा इंडिया हुए तो मु ठीक से पढ़ी पारुनी हेले आपण मानंकु जदि ऑप्शन महंगा आसे देन महंगा ही मारिबे मु याकु सर्च करि देखि थिली आंसर महंगा ही आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज रक्त तीर्थ ओडिशार को प्लेस को रक्त तीर्थ कहा जाए एंड द आंसर इज एराम जोटा कि आमर भद्रक डिस्ट्रिक्ट अच्छे। एराम इज ए स्मॉल विलेज ऑफ बासुदेवपुर भद्रक फ्रॉम ओडिशा इट प्लेज एन इंपोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इट इज ऑल्सो नॉन एज रक्त तीर्थ एराम द पिलग्रिम ऑफ ब्लड एंड द सेकेंड जलियानवाला बाग। क्वेश्चन नंबर 18 व्हिच इज कॉल्ड द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ओडिशा ओडिशा रे कहा को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाए एंड द आंसर इज पुरी कोणार्क एंड भुवनेश्वर। सो एठी किछि डिटेल भी मेंशन अछि गोल्डन ट्रायंगल पॉपुलरली नॉन एज स्वर्ण त्रिभुज इज ईस्टर्न इंडियाज मोस्ट विजिटेड डेस्टिनेशन द सिटीज कमिंग अंडर दिज आर भुवनेश्वर पुरी एंड कोणार्क द मॉडर्न सिटी ऑफ भुवनेश्वर वाज डिजाइन बाय ऑटो कॉनिग्सबर्गर। अरे बाप रे एटी तो बर्गर भी मोर मन पड़गला सो आपण माने याकु भलसे पढ़िकी टिके बुझिनेबे हेले ऑटो कॉनिग्सबर्गर से जणे जर्मन आर्किटेक्ट भी थिले। तो चलो तो जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को एबे बर्गर रु पळे आसंतु आपण माने। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज द डायमंड ट्रायंगल ऑफ ओडिशा हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री रे डायमंड ट्रायंगल को प्लेस को कहा जाए एंड द आंसर इज रत्नगिरी उदयगिरी एंड ललितगिरी तार किछि डिटेल भी एठी मेंशन होछि द डायमंड ट्रायंगल इज अ कलेक्शन ऑफ थ्री बुद्धिस्ट साइट्स ऑफ रत्नगिरी उदयगिरी एंड ललितगिरी एही साइट गुड़िक बुद्ध धर्मर वज्रराज्यन संप्रदायर जोटा कि डायमंड व्हीकल भाव में जना सो यार नेम डायमंड ट्रायंगल। चलते जी नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच प्लेस ऑफ ओडिशा इज नॉन एज बिरजा क्षेत्र आपण मानक मुझे गोटे टास्क दे क्वेश्चन नंबर 5 रे कि जाजपुर को आउ कौ क्षेत्र कहा जाए सो जाजपुर को बिरजा क्षेत्र कहा जाए सो क्वेश्चन नंबर 20 आंसर इज जाजपुर। तो आपण मानक आज क्लास टी केमी लगला कमेंट बॉक्स रे निहाती जनइबे एंड यस वीडियो टी को लाइक करिया को भूलिबेनि। तो चलंतु देखा हबो नेक्स्ट क्लास रे।